सो हाई एवरीवन, ये नाइट का टाइम है और यहाँ पे मैं ना मेहंदी लगा रही थी। एक्चुअली कोई मेहंदी वाला मिला नहीं था तो मैंने सोचा चलो मैं ही लगा लेती हूँ। और मुझे ना ऐसी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, मतलब गोल सा बीच में लगा लो और चारों तरफ से उंगलियाँ भर लो। और सच में ये पता है, ये डिज़ाइन वाली से ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आप देखो ना तो बहुत सुंदर सी लगने लगती है जब इसका मेहंदी छूट जाती है, उसके बाद जो कलर चढ़ता है। बस यही चल रहा था नाइट में। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं बताइएगा। फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ये पहनने के लिए निकाला था, बट गर्मी इतनी थी ना कि कुछ पहना नहीं जा रहा था, बस नॉर्मल से। फिर बाद में मैंने मतलब सारा कुछ पहना था और आप लोग सोचेंगे कि दिखाया और पहना नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ये पहनी हुई थी, मेकअप भी किया था। बस मैंने नेकलेस पहना था, लेकिन मैंने ये वाला नहीं, मैंने दूसरा वाला नेकलेस पहना था, गोल्ड का ही था वो भी। और आप लोग सभी लोग बताइएगा कि किसके किसके यहाँ कलर लगाया जाता है। हमारी साइड में तो लगाया जाता है, और मुझे पता है मुझे कलर लगाना बहुत अच्छा लगता है। जिस जिसको भी अच्छा लगता है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये 16 सिंगार में आता है जो कि मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। पैरों में महावर और मांग में सिंदूर और माथे में बिंदिया, ये तो मतलब पूछिए मत। अगर इन चीज़ों को लगा लेती है ना औरत तो बहुत खूबसूरत लगती है। फिर जस्ट मैंने कलर लगाने के बाद पूजा करी, क्योंकि बिना कलर के पूजा नहीं करते हमारे यहाँ। अब भूल जाएँ तो वो बात अलग है। और यहाँ पे मेरी पूजा चालू हो गई थी। फिर ये मेरे हस्बैंड सुबह लगा के गए थे गमले में पेड़ को। एक्चुअली मेरे यहाँ पे ना पेड़ है तो, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, तो कहते हैं मतलब बड़े पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो फिर मैंने घर पे ही डाल मंगा कर, बहुत पुराना पेड़ था तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं पे ही पूजा कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा घर पे ही पूजा करती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी गर्मी लगती है ना, तो लगता है चलो अच्छा पंखा वंखा लगा करके हम लोग मतलब फ़ैन को पूजा कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा की जाती है, जो भी मुझे देखेंगे, क्योंकि हर किसी के यहाँ ना अलग अलग होता है हर चीज़ें। ये जो मैंने पीला पीला लगाया था, ये ऐपन होता है, इसको लगाया जाता है ऐपन को, ये शुभ होता है। और उसके बाद फिर मैंने दीपक जलाया। गौर माता को ज़रूर रखते हैं हमारे यहाँ। गोबर की गाय, गोबर जो गोबर गाय का गोबर होता है ना, उसकी गौरी जी बना करके उसी से हम लोग मतलब सिंदूर लेते हैं। तो सब वही मैंने यहाँ पे किया था, और अब मैं ना उसके बाद सिंदूर लगा रही हूँ। वैसे मुझे पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं ना दीपक जलाना भूल गई थी। पहले मैंने इनको जल दिया था, पहले मैंने जल चढ़ाया था, फिर मैंने ऐपन लगाया था और दीपक जलाया। बस यही सब जैसे नॉर्मल पूजा होती है सेम वही किया था मैंने भी। और यहाँ पे ना अब मैं मतलब जो 16 सिंगार का सामान होता है वो चढ़ा रही हूँ। चूड़ी, बिंदी, आलता, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि गले में पहना जाता है। तो मैं अकेले पूजा कर रही थी तो मुझे ना इनको बदला जाता है। या तो आप भाभी के साथ बदल सकती हो, या सास बहू बदल सकती हैं, या देवरानी जिठानी बदल सकती हैं।
तो मैं अकेली थी इसलिए मैं गौर माता से बदलूँगी, तो इसीलिए एक मैंने छोटी माला बनाई थी और एक बड़ी माला बनाई थी। सो आप अभी आगे देखिएगा कि मैंने कैसे करा था, मतलब जो दो माला होती हैं, एक जो गौर माता की होती है ना वो छोटी होती है, तो उनको ना छोटी पहनाते हैं और अपने आप में बड़ी पहनते हैं। सो मैंने यहाँ पे दो तरीके की चूड़ी, नेल पॉलिश, बिंदी, मतलब जो नॉर्मली 16 सिंगार में आता है वही सब चीज़ें चढ़ाई थी मैंने भी। आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और प्लीज़ वॉच कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि पता है ना अब तो हस्बैंड भी चिल्लाने लगे हैं कि तुम वीडियो बस बनाती हो, कुछ होता नहीं है। बीच में एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था और इस वजह से मेरा सब कुछ मोनेटाइज वगैरह भी चैनल हो गया था, लेकिन मेरी थोड़ी सी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे छोड़ना पड़ा। बस इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ना चने जो होते हैं, 12 चने होते हैं, उनको लेकर के हम लोग घूमते हैं, 12 चनों को लेकर के हर बार में एक चना डालते हैं, तो इससे ना 12 बार फेरी कहते हैं लेना। तो और जो मैंने आपने अभी देखा होगा उसकी मैं वीडियो शायद स्किप हो गई है, इसमें ना वाइट कलर की जो रील होती है ना और उसको लपेटा जाता है 12 बार। हर चीज़ जितनी जो भी करोगे आप 12 बार ही करनी है, क्योंकि इसको बरगदाही भी कहते हैं, तो बरगद की पूजा होती है। तो इसमें वैसे भी इसकी जो पेड़ जो होता है ना 12 साल पुराना ही होना चाहिए, तो इसीलिए। और यहाँ पे ना गोले मैं घूम रही थी तो मेरा एकदम चुन्नी फंस गई थी, तो बस उसी को मैं फिर सीधा करने लगी थी। आप लोग ऐसे करते हैं क्या चने वने से, बताइएगा। यहाँ पे ना मेरा जो छोटा वाला बेबी है ना वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, कह रहा था मम्मा मैं भी तुम्हारे साथ घूमूंगा, तो मैंने कहा नहीं बच्चे नहीं घूमते हैं, तो फिर मैंने उसको पीछे किया, फिर वो मेरी जगह पे बार बार आ जा रहा था। तो बस ऐसे ही होता है, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे ही मम्मा को परेशान करते हैं। और यहाँ पर ना 12 बार गले मिला जाता है, 12 बार पंखा हिलाया जाता है, बिकॉज गर्मी का ये त्यौहार वो पूजा होती है, तो हर चीज़ 12 बार की जाती है। सो बताइएगा आप लोग भी। तो मैंने फिर एक्चुअली मेरी धूप बत्ती बुझ रही थी, तो फिर मैं दूसरी धूप बत्ती जलाने लगी थी और पूजा करने। उसके बाद हमारे यहाँ ये देखिए ऐसे हमने सिंदूर लिया था और मैंने गले में माला पहन लिया था, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, सॉरी, बिकॉज मैं अकेली थी इसलिए, और जितना हो सकता था मैंने उतनी वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश की है। और देखिए पहले मैंने ना माता रानी को सिंदूर लगाया, फिर उनसे मैंने सिंदूर लिया, तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे। और मुझे ना ये पूजा और मतलब करवा चौथ वगैरह ये सब बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ इसमें हम लोग रेडी होते हैं बहुत अच्छे से 16 सिंगार करके। और मैंने ना चने भी मतलब नींग दिए थे यहाँ पे, 12 चने हम लोगों ने इकट्ठे नींग लिए थे। आपके यहाँ कैसे होता है बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बाय एंड टेक केयर।